The cost of electric two wheeler, electric three wheeler, electric four wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. साल 2030 तक भारत की सड़कों पर दिखेंगे 80% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। जानिए कैसे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में दिखने वाले विभिन्न फायदों, मसलन कम कीमत, कम परिचालन लागत, माइक्रो मोबिलिटी, ज्यादा वेरिएंट्स और कलर्स के चलते ग्राहकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या, सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा तथा उपभोक्ताओं की जागरूकता ऐसे प्रमुख कारक है जिससे भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम ने मजबूत वृद्धि दर्ज कराई है। इस साल भारत सरकार ने अपने बजट में लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में विशेष छूट देने की घोषणा की है। ऐसे में भारत सरकार का ये निर्णय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न योजनाएं और नीतियां, टैक्स में छूट, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा साल 2030 तक देश के कुल वाहनों में 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करने का लक्ष्य ऐसे अन्य कारक हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेक्टर्स में जबरदस्त परिणाम देखने को मिल रहे हैं। साल 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बेहद अच्छे संकेत मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि भारत के घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में 2022 और 2030 के बीच 49% तक CAGR देखने को मिलेगा। साथ ही 2030 तक प्रति वर्ष 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री होगी, जो वास्तव में उत्साहजनक और उम्मीदों से भरी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के रिटेल आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री 65,702 यूनिट रही, जबकि फरवरी 2022 में ये संख्या 35,709 रही। ऐसे में ई वाहनों की बिक्री में 2 गुना इजाफा देखने को मिला। यहाँ तक कि जनवरी 2023 में बेची गई 64,363 यूनिट्स में भी 2% ज्यादा है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने की चाहत रखने वाले कस्टमर्स की अपेक्षाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माताओं से बढ़ गई हैं। ऐसे में वे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों में बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स की डिमांड करते दिख रहे हैं। प्रमुख शहरों में व्याप्त पर्यावरण चुनौतियों के प्रति जागरूकता के चलते भी जिम्मेदार ग्राहकों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। इसके लिए वे किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माताओं द्वारा बैटरी टेक्नोलॉजी को ज्यादा उन्नत करने से ई व्हीकल्स की कीमत और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बिल्कुल समाप्त सी हो गई हैं। भारत का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तीव्र गति से आकार ले रहा है और फास्ट चार्जिंग विकल्पों के साथ विश्वसनीय तथा लंबे समय तक चलने वाली इलेक्ट्रिक बैटरी के कारण लोग बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक साल 2030 तक समग्र दोपहिया वाहन मार्केट में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 80% से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 80% तक हो जाएगी? इस मुद्दे पर कमेंट्स जरूर करें।